महफिल के हम नशीनों, आज आपकी महफिल में दो फनकार पेश हो रहे हैं, चंदन दास और पीनाज मसानी। दोनों बहुत पुख्ता फनकार हैं, सीखे हुए, शौकिया नहीं गाते, धुन लगन और जुनून से गाते। चंदन दास मीर और गालिब की दिल्ली के रहने वाले हैं, तो शायरी और मौसीकी उनके खून में बसी हुई। पंडित मणि प्रसाद से तरबियत लेकर उनका फन और निखर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी गज़लों को खुद ही कंपोज भी करते हैं और कई टीवी सीरियल्स में म्यूज़िक भी दे चुके हैं। उनके कम से कम 20 कैसेट बाज़ार में आ चुके हैं। दूसरी फनकार पीनाज मसानी, इनके लिए मैं क्या अर्ज़ करूँ सिवाय इसके कि आप खुद देखिए, कुदरत ने अपनी मेहरबानियों के लिए इनके हक में बड़ी दरियादिली से काम लिया है। इन्हें वो सब कुछ मिला है जिसे मिलने की कोई फनकार आरजू कर सकता है और जो एक साथ किसी को बहुत कम मिलता है। इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनालिटी, आँख और कान दोनों की तस्कीन का सामान है। ये फनकार आज आपकी महफिल में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनका खैर मकदम करेंगे। सबसे पहले चंदन दास पेश कर रहे हैं मशहूर उर्दू शायर अमीर क़िज़लबाश की गज़ल, हर तरफ धुआं है धुआं धुआं यारो। हर तरफ है धुआं धुआं यारो, हर तरफ है धुआं धुआं यारो, हम जले हैं कहां कहां यारो, हम जले हैं कहां कहां यारो, हर तरफ है धुआं धुआं यारो, हर तरफ है धुआं धुआं। शाम होते ही याद आते हो, शाम होते ही याद आते हो, शाम होते ही याद आते हो, कम न हो अब ये दूरियां यारो, कम न हो अब ये दूरियां यारो, हम जले हैं
कहाँ कहाँ यारो, हम जले हैं कहाँ कहाँ यारो, हर तरफ है धुआं धुआं से तोड़ लो खुद ही, जाने कब आए आंधियां यारो, जाने कब आए आंधियां यारो, हम जले जले हैं कहाँ कहाँ यारो, हर तरफ है धुआं धुआं महफिल के साथियों, पीनाज मसानी की बारी है। पीनाज मसानी के नए नक्श कुदरत ने संवारे, लेकिन उनकी आवाज़ की नोक पलक सुधारी है मधुरानी जी ने, यानी सोने पर सुहागा। और इसके साथ ही जो गज़ल वो पेश कर रही हैं, वो भी बहुत खूबसूरत शायर निदा फाजिली की है। मुंह की बात सुने हर कोई, मुलाहिज़ा फरमाइए। सुने हर कोई, दिल के दर्द को
लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाता बार फिर महफिल में तशरीफ ला रहे हैं चंदन दास। चंदन दास की आवाज़ का रखरखाव उनकी लंबी रियाजत और कड़ी मेहनत का आईना है, और गज़ल भी वो जिस शायर की लेके आए हैं रज़ाक हमीद की, उसकी गज़लों का दर्द भी अपनी जगह पर एक अनोखी चीज़ है। चंदन दास ने इस दर्द को और उजागर कर दिया है। पेश है आपकी खिदमत में रज़ाक हमीद की गज़ल। Oh,
आखिर ख्याल अपना बदलना पड़ा हमें, आखिर ख्याल अपना बदलना पड़ा हमें। दुनिया के साथ साथ ही चलना पड़ा अपना बदलना पड़ा। नहीं किया हम थे ही जब चराग तो जलना पड़ा हमें, हम थे ही जब चराग तो जलना पड़ा हमें। आखिर ख्याल अब बदलना पड़ा। हमारा फर्ज था उसकी देखभाल का जिम्मा हमारा फर्ज, ठोकर तो खाई उसने संभलना पड़ा हमें, ठोकर खाई उसने संभलना पड़ा हमें। आखिर ख्याल अपना बदलना पड़ा। खुद ही अपनी राह के कांटे थे इसलिए, खुद अपने आप ही को कुचलना पड़ा हमें, खुद अपने आप ही को कुचलना पड़ा। बदलना पड़ा हमें, दुनिया के साथ साथ ही चलना पड़ा हमें। पीनाज मसानी एक बार फिर जलवागर हो रही हैं,
लेकिन अब जरा दुश्वारी है। इस बार वो जो कलाम आपको सुना रही हैं वो इत्तेफाक से मेरा है, इसलिए कलाम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। पीनास के बारे में मैं आपसे कह चुका हूँ और अब उसका सबूत भी पेश करता हूँ कि ये आवाज़ें बड़ी मुश्किल से, बहुत दिनों के बाद और बड़ी तलाश के बाद मिलती हैं। पेश है आपकी खिदमत में ये कलाम। क्या ज़माने थे कि जब तुम थे हमारे बस में, तुमसे ताज़ा थी मोहब्बत की पुरानी रस्में। हार गए क्या जीत गए क्या हार गए।